এবারে আমি ডেকে নিচ্ছি ডোলো স্কুলের শিক্ষক শ্রী आनंद द्विवेदी महाशय के मंचे आसार जन्य आनंद द्विवेदी के उत्तरीय दिए सम्मान प्रदर्शित करार जन्य आमी डेके निচ্ছি शंकर दे महाशय के आनंद देवी महाशय के अनुरोध करब संक्षिप्त बक्तव्य आमादेर सामने एकटु तुले धरार जन्य। धन्यवाद महोदया। सज्जनों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन मंदिर का पुजारी भी हूं और सांगठनिक क्षेत्र में भी कई साल मैंने अपने जीवन में गंवाए हैं, कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हमने मंच में कई विद्वानों को देखे, हमारे श्रंगारदा, हमारे भट्टाचार्य महोदय, रोटारी क्लब के पदाधिकारी, उन्होंने कई विशिष्ट बातों को यहाँ पे रखी और उनमें हमारे शंकरदा ने एक बात रखी कि मीडिया का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। पिछले साल भी ये कार्यक्रम हुई थी और हमने उसमें वही बात कहा था कि मीडिया का एक जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात रेडियो पर कहते हैं और हम सब सुनते हैं उनके विचार, उनकी भावनाएं और समझते हैं उनको, लेकिन आम पब्लिक की मन की बात अगर कोई करता है तो वो मीडिया करता है और सभी के मन की बातों को उजागर करता है और हमें एक दूसरे से समन्वित करता है। मैं यहाँ समन्वित शब्द को लाना चाह रहा था क्योंकि पिछले साल ही मैं इस बात को कहा था कि वर्तमान में हमारे जो संजीव भट्टाचार्य जी महोदय हैं, इन्होंने इस चैनल को एनी 24 को शुरू करके एक बहुत बड़ा समन्वय स्थापित किया है, जो संगीत से होते हुए मीडिया के माध्यम में आकर के आज खड़ा हुआ है। और ये समन्वय एक ग्रास रूट से होते हुए यहाँ तक जो पहुँची है, इसमें अनुभव बहुत बड़ा कार्य करता है। समन्वय एक ऐसी चीज है जो इंसान को और हमारे इस वातावरण को समृद्ध करता है, सफल करता है। प्रकृति से पुरुष का समन्वय, नदी से समुद्र का समन्वय और इस तरह से समन्वय यानी कि एक दूसरे में समाहित होना, ये बहुत अनुभूति प्रदान करती है। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो अपने अपने कार्यवाहक क्षेत्र को करते हैं और एक दूसरे का परिश्रम उसमें देते हैं। आप सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये किसी न किसी क्षेत्र से आए हुए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही हम लोग या सभी कोई या कुछ लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक नेता लोग भी करते हैं और भी कुछ लोग करते हैं, तो उन्हें हम समाज सेवा या देश सेवा कहते हैं, लेकिन राष्ट्र की सेवा केवल राजनीति से नहीं होती। राष्ट्र की सेवा करने में हम प्रत्येक जनों का एक एक अंश है। उस अंश में ये संगीत जगत और ये संवादिकता है। मैं शिक्षकता करता हूँ, इसमें एक राष्ट्र की सेवा है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, उसमें एक राष्ट्रीयता है। कोई सामाजिक कार्य करता है उसमें राष्ट्रीयता है, कोई गाना गाता है, कोई अभिनय करता है वो भी राष्ट्रीयता है, राष्ट्र की सेवा है। और मीडिया जगत में जो है वो भी राष्ट्र की सेवा है। तो जहाँ हम राष्ट्र की सेवा करते हैं वहाँ जिम्मेवारी बहुत बड़ी हो जाती है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं और महत्वपूर्ण बातें कही हैं, तो हमेशा एक गूंज रहता है भीतर में। कहते हैं कि संगीत है शक्ति स्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो मिलाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। तो इसी बीच मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मन में जैसे कोई गूंज उठता है, यही गूंज मेरे मन में भी उठ रहा है और एक धुन के माध्यम से आपको सुनाना चाहूँगा कि कैसे हम खोजते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढने पर मीडिया को कुछ न कुछ संवाद मिलता है। किसी एक सरकारी कार्यक्रम में मैं गया था, तो वहाँ बड़े से बड़े अधिकारी उनको भी कुछ मालूम नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि ये बात मैंने मोबाइल से जाना, मोबाइल यानी कि मीडिया से जाना, यानी कि मीडिया खोज करके उस वस्तु को लाता है और उन्हें सुनाता है। तो इस मीडिया के माध्यम से जब हमें मिलती है तो पता चलता है कि मीडिया खोज रहा है। तो खोजना किसी आलसी का काम नहीं है, खोजना सक्रिय व्यक्ति का काम है, तटस्थ व्यक्ति का काम है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पित है उसका काम है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आनंद देवी महाशय के।